नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने शानदार तरीके से पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन पाकिस्तान के अलावा कुछ और भी मैचेज हैं जिन मैचों पर लगातार नजर बनी हुई है। ऐसे में वर्ल्ड कप में एक खिलाड़ी ने ऐसा प्रदर्शन कर दिया जिसके बाद काव्या मारन परेशान हो गई, काव्या मारन को टेंशन हो गई और काव्या मारन आईपीएल 2024 में अपनी एक गलती की वजह से अब पछता रही हैं। हालांकि अगर काव्या मारन इस गलती को ना करती तो हो सकता है कि शायद सनराइजर्स हैदराबाद जो फाइनल में पहुंची थी और केकेआर ने जिस हैदराबाद को हराया था, हो सकता है कि हैदराबाद उस मुकाबले को जीत जाती और बेहतर परफॉर्मेंस हैदराबाद कर सकती थी अगर काव्या मारन ये गलती ना करती। काव्या मारन को इस बात का पछतावा है, आईपीएल 2024 के फाइनल में अगर काव्या मारन ये गलती ना करती तो शायद खिताब सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में जा सकता था, हैदराबाद इस खिताब को जीत सकती थी। एक खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन को बहुत बड़ी सबक दिया है और आँख खोल दिया काव्या मारन की। अब काव्या मारन का पछताना क्या है? दरअसल आपको पता है कि हैदराबाद ने कमाल की परफॉर्मेंस आईपीएल 2024 में करके दिखाई थी। बल्लेबाजी के तौर पर आप हेड की बात कर लीजिए, अभिषेक की बात कर लीजिए, उसके बाद में गेंदबाजी के तौर पर आप उनके कप्तान पैट कमिंस की बात कर लीजिए, नटराजन की बात कर लीजिए, भुवनेश्वर कुमार की बात कर लीजिए, तमाम अच्छे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके दम पर हैदराबाद फाइनल तक पहुंची। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जिस खिलाड़ी को काव्या मारन ने 50 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उस खिलाड़ी का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाई और उस खिलाड़ी को बेंच पर बैठा कर रखा। लेकिन अब जैसे ही वो खिलाड़ी वर्ल्ड कप में मैदान पर आया, उस खिलाड़ी ने तूफान मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि काव्या मारन अगर ये गलती ना करती तो शायद हैदराबाद इस खिताब को जीत जाती। उस खिलाड़ी की जिसकी चर्चा हो रही है उसका नाम है फजल फारूकी। फजल फारूकी वो खिलाड़ी हैं जो हैदराबाद के खेमे में मौजूद थे, हैदराबाद के टीम में थे और लगातार इस तरीके की चर्चाएं भी हो रही थी कि फजल फारूकी को मौका देना चाहिए, फजल फारूकी को खिलाना चाहिए, लेकिन काव्या मारन ने फजल फारूकी को मौका नहीं दिया। अब जब फजल फारूकी अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर अफगानिस्तान के लिए मैदान पर आ रहे हैं तो फजल फारूकी ने एक मैच में 5 विकेट ले लिए, एक मैच में 4 विकेट ले लिए, अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान निभा रहे हैं, लगातार बेहतर प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, बेहतर गेंदबाज हैं, विकेट टेकर गेंदबाज फजल फारूकी को माना जाता है। लेकिन फजल फारूकी को हैदराबाद ने एक भी मैच नहीं खिलाया। अब इतना कामयाब गेंदबाज आपकी टीम में हो और आप उसको एक भी मैच ना दें खेलने के लिए, जाहिर तौर पर पछताना तो होगा। अब ये सोचना पड़ रहा है काव्या मारन को कि आईपीएल 2024 के बाद, क्योंकि 2025 में मेगा ऑक्शन होना है, 4 खिलाड़ियों को केवल रखना होगा, हर टीम 4 ही खिलाड़ियों को रख सकती है, बाकियों को रिलीज करना होगा, तो क्या फजल फारूकी को रिलीज करना ठीक होगा? क्या फजल फारूकी को छोड़कर काव्या मारन कोई गलती तो नहीं कर देंगी? क्योंकि बड़ा विकेट टेकर गेंदबाज है, बहुत शानदार गेंदबाज है, ऐसा गेंदबाज शायद काव्या मारन को इतने सस्ते में ना मिले, अगर रिटेन भी करती है काव्या मारन तो जाहिर तौर पर ये काव्या मारन को वक्त पछतावा है। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि फजल फारूकी को अगर फाइनल में खिलाया जाता तो क्या हैदराबाद के लिए बेहतर होता? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।